नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप एक पीएससी भी लिए हैं और आपने भी फील्ड पे बहुत सारे पीएससी के प्रोजेक्ट किए हुए हैं तो आज आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है, खासकर उन वीएलओ के लिए जिन्होंने पीएमजी दिवा में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए ना बहुत ही एक गुड न्यूज लेकर के आया हूँ और जो भी हमारे वीएलओ भाई है ना आज ना खुशी से उछल पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं ना सीएससी परिवार। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो तनिक भी पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों अगर आप पीएमजी दिशा का संचालन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास, जी हाँ केवल आपके लिए ही ये वीडियो है क्योंकि पीएमजी दिशा ना रीलॉन्च होने वाला है दोस्तों। पीएमजी दिशा अभी जैसा कि आपको पता ही है काफी लंबे टाइम से पीएमजी दिशा हमारा मार्च मंथ से बंद चल रहा था, हालांकि पेमेंट तो सारी हमारी रिसीव हो ही गई है बट पीएमजी दिशा इसको रीलॉन्च कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में आज यही बताएंगे कि डेट कब से है और क्या क्या कमीशन रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कब से ये चलने वाला है दोस्तों पीएमजी दिशा, और इसका जो टारगेट है वो टारगेट में कुछ चेंजमेंट हुई है तो क्या चेंजमेंट रहेंगी, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ना वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, अगर आपने स्किप किया तो आप मेन चीज़ें मिस कर जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बता दूं आपको कि ये जो पीएमजी दिशा है वो प्रोजेक्ट दोबारा फिर लॉन्च करने के लिए सीएफए में मीटिंग्स भी हो चुकी है, हालांकि अभी इसका कोई भी ऑफिशियल तौर पे नोटिफिकेशन नहीं आया है क्योंकि अभी इसको रिलॉन्च करने की मीटिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो ये बहुत ही जल्द नवंबर और सितंबर के बाद, नवंबर दिसंबर तक के बीच बीच ये आ जाएगा नोटिफिकेशन, फायदा कि जल्द आ जाएगा क्योंकि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उनकी जो मीटिंग्स है वो कंप्लीट हो गई हैं और कहा जा रहा है कि जितनी भी आइडिया हमारी हैं प्रेजेंट टाइम पे आपके पास अगर 40-50 आइडिया तो होंगी ही तो उन पे ना ट्रांजेक्शन बढ़ा लो क्योंकि टाइम आ गया है पीएमजी दिशा दोबारा फिर रन करने के लिए। नया टारगेट रिन्यू होगा, कितना होगा अभी तक हम लोगों को 300 का टारगेट मिलता था बट अब ये जो टारगेट है 300 ना मिल करके आपको ओनली 100 का टारगेट मिलेगा। फिर भी क्या दिक्कत है आपको, आपके पास तो ऑलरेडी 20-30 आइडिया तो होंगी ही ना, तो उन पे ना ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दो क्योंकि उन्हीं को टारगेट मिलेगा जिनकी आईडी रन कर रही होगी, जिनके 50-50 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होंगे। 2 महीने का आपके पास टाइम है, तैयार हो जाइए, ट्रांजेक्शन बढ़ा लीजिए, तभी आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो पीएमजी दिशा आपको मिलेगा। तो जो 50 ट्रांजेक्शन अगर कर लेंगे तो आपको 100 का टारगेट मिल जाएगा और जितनी भी आइडिया है सब में टारगेट मिलेगा। और जो कमीशन की अगर हम बात करेंगे ना तो कमीशन तो सेम कमीशन है, कमीशन में कोई चेंजमेंट नहीं किया इन्होंने, जो 300 रुपये का कमीशन आपको जा रहा था वो 300 रुपये जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, बाकी जैसे ही कुछ नई जानकारी पीएमजी दिशा से रिलेटेड मिलती है आपको हम जरूर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मैं अपनी वीडियो में और अच्छी चीज़ें डेवलप कर सकूँ।